વખત પહેલા કહ્યું હતું અને આપણે સાયન્સમાં પણ ભણેલા છે કે ભાઈ જીવનમાં બધી વસ્તુઓ જે છે તે એટમ્સની બનેલી છે, એટમ્સ હંમેશા મોશનમાં હોય છે અને there is an agreement among science, medicine and metaphysics that certain frequencies can repel disease and certain frequencies can destroy the disease. આપણે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો આપણી પાસે અત્યારે વોઇસ કેન્સલેશન ના યરપ્લગ આવે છે કે જેમાં બહારથી કોઈ ફ્રીક્વન્સી આવતી હોય ને એમાં ઓપોઝિટ ફ્રીક્વન્સી ડેવલપ કરે એટલે આપણને બહારનો નોઇઝ આવે નહીં. સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ લોજિક ઇઝ, ધીસ ઇઝ વોટ આઈ અન્ડરસ્ટુડ લોંગ બેક. અને આજે આપણે આ વિષય પર જ ડેપ્થમાં જવાના છે. આપણી સાથે વી હેવ વિથ અસ આર્મિનન્ટ મ્યુઝિક થેરાપિસ્ટ સંગીતજ્ઞ મિસ્ટર આનંદમ શર્મા, દાદા સાહેબ પાંકે અવર લીડર, અલોંગ વિથ ટીમ મિસિસ શર્મા, કો સિંગર્સ મિસ ઉર્જા પુરાણી, મિસ્ટર મિનેશભાઈ જૈન હુ વિલ હેલ્પ, મિનેશભાઈ જૈન ઓલ્સો વિલ હેલ્પ અસ ટુ ટેક ધ ડીપ ડાઈવ ઇન ધ સબ્જેક્ટ ઓફ મ્યુઝિકલ થેરાપી. I would like to request Engineer Kamdeshbhai Vaishnav, Vice President ICA Surat, to deliver welcome address to the August gathering. નવી થેરાપી લઈને આવ્યા છે તેના વિશે આપણે જાણશું અને એનો અભ્યાસ કરીશું. આજના આપણા ગેસ્ટ આનંદમ શર્મા એન્ડ ટીમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. આપણે આભાર તો તુષારભાઈ નો અને જયભાઈ નો માનવાનો છે કે આજે આપણને આટલી સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે. કઈક વસ્તુ આપણે ડોક્ટર પાસે તો રોગને જે રોગને નાબૂદ કરવા માટે જે એન્જિનિયર કમલેશભાઈ વૈષ્ણવ તો ફેલિસિટેટ મિસ્ટર આનંદમ શર્માજી હા બોલા બોલા બાય ઓફરિંગ ઓફ ઇકો ફ્રેન્ડલી ટોકન ઓફ લવ ફ્રોમ આઈસીએ સુરત કાર્યક્રમમાં. वे स्वरों की साधना के लिए हिमालय गए, वहां पर शिव जी, गंगा जी और प्रकृति के सानिध्य में स्वरों के साथ उपासना की. ही स्टूड सेकंड इन डिप्लोमा इन स्पिरिचुअल फिलोसॉफी इन इंडिया. अभी अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑल ओवर द वर्ल्ड में इनका म्यूजिक इंट्रोड्यूस होता है. उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी से भी नवाजा गया है, जिनमें मुख्य है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल अवार्ड. वे आज चक्रों के क्या है ये बताएंगे. आज शाम श्री आनंदम के साथ दे रही है मिस ऊर्जा पुराणी. शी इज स्टडिंग इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एट प्रेजेंट. वे श्री आनंदम की शिष्या है और उन्हें संगीत विशारद में डिस्टिंक्शन प्राप्त है. संगीत की साधना कर रही है और संगीत के साथ स्वरों की गहराई प्राप्त कर रही है. पिछले कुछ समय से मिस्टर आनंदम से लुप्त हुई तानों के ऊपर रियाज कर रही है. अभी फिलहाल संगीत के 12 स्वर पर प्रभुत्व प्राप्त किया है. आज एक और सिंगर श्री आनंद शर्मा जी का साथ देने यहाँ पे उपस्थित है श्री मिनेश जैन जी. मिनेश जी किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के सॉन्ग्स गाते हैं. वे कम से कम 300 के करीब प्रोग्राम कर चुके हैं. सो फ्रेंड्स लेट अस वेलकम ऑल द નિધિપતિ ગો
में तो उनको भय रहता है कि हम फेल हो जाएंगे,
रहेंगे या पास हो रहे, ये हमें उस वक्त जब पेपर लिख रहे हैं उस वक्त ये याद रहेगा या नहीं रहेगा जो हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब भाई वही हमें सफल की ओर लेके जाता है। और कितना भी ऐसा पड़ा हुआ है जहां पे हमें लगे ये मुश्किल है, तो उसमें वो पृथ्वी तत्व को हम थोड़ा सा जागृत करेंगे तो उसमें आपको सहायता मिलेगी। अब ये पृथ्वी तत्व का रंग जो होता है वो लाल होता है और ये जिस चक्र से जुड़ा हुआ है वो चक्र है मूलाधार। मूलाधार का अर्थ है मूल का आधार, यहां से उसकी उत्पत्ति होती है। अब हम देख रहे हैं अपना स्थूल शरीर, जो मैं बोल गया था स्थूल शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर को हमें अभी आधा घंटा एक घंटा तक हम यहां पर हैं, तब तक उसको महसूस करना है, उस तत्व को मजबूत करना है। तो आज मैं चर्चा करूंगा पृथ्वी तत्व, जल तत्व एंड अग्नि तत्व। ये तीन तत्व अगर हमारे जागृत है तो हमें बहुत 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 ईश्वर की प्राप्ति, और इस संसार में हम कैसे सफल रहे, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, या किसी भी फील्ड में बिजनेस में हो रहे हैं। ये मेरा दावा नहीं है, ये हिमालय के अंदर जितने भी ऋषिगण बैठे हुए हैं उनका भी दावा है। तो आइए हम थोड़ा सा इसकी जो बीज मंत्र है वो लंग, ये इसका बीज मंत्र है, उसका हम 7 times इसका चैंटिंग करेंगे। मैं अपनी सेज लूंगा क्योंकि मुझे बजाना भी है। ओके, अब लंग नहीं बोलना है क्योंकि इसका उच्चारण लंग है, तो वो आपके मूलाधार चक्र को आप महसूस करेंगे थोड़ा बहुत जागृत हुआ है। इसका उच्चारण मुख से होते हुए नाक यहां से होता है लंग। आइए मेरे साथ कहिए लंग। आपका जो मैं गा रहा था उसके बाहर कोई नहीं था, इस आपके लिए जोर रहा था। क्यों? क्योंकि जो वाइब्रेशंस पकड़ते हैं वो 7440 प्रति सेकंड वाइब्रेशन होता है, उसको वर्ल्ड वाइड माना गया। तो वो का वही वाइब्रेशंस आपके अंदर भीतर था, इसलिए मैंने आपसे खुद के लिए तालियां बजाने को बोला। पृथ्वी तत्व के बाद आता है जल तत्व, और जल तत्व बांधता है रिश्तों की ओर। हमारा रिलेशन हर एक ऑफिस में कैसा रहता है, हर एक कलीग्स के साथ हमारा रिलेशन प्रेम व्यवहार में कैसा रहता है,
हमारा रिलेशन हमारे पूरे परिवार के रिश्तों की ओर कैसा रहता है। अगर आपका जल तत्व खराब है तो ये सारे रिश्ते खराब रहेंगे। अगर रिश्ते सुधारने हैं तो जल तत्व को मजबूत करें, नहीं कि अपने रिश्तेदारों को, वो उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्वयं को चेंज करें तो पृथ्वी तत्व के बाद जल तत्व को हम थोड़ा सा इस उजागर करेंगे कि कौन सा इसका बीज मंत्र है और कौन सा कलर है। अभी पृथ्वी तत्व में क्या हो रहा था कि मूलाधार के जो चार पद्म होते हैं वो अधःगति होते हैं, ऐसे उसका कलर पीला है। अब चार में से पंखुड़ियां गुलाब की तरह होती है, पद्म बोलते हैं कमल, उसके बीच में गोल्डन कलर का, वहां पर हमें ध्यान करने का होता है। तो आप सुबह अगर 3-3 मिनट से शुरुआत करें तो कोई भी ऐसा स्ट्रेस आपके होता चला जाएगा और डिविनिटी से हम काम करेंगे तो हमारे ओरल्स जो है वो काफी सुधरेंगे। अभी इन्होंने जो बोला भाई साहब का नाम क्या था शुरुआत में आए थे, जिगर भाई, ये ठोस द्रव्य और गैस ये साइंस के हिसाब से होता है। यही देखिए आप तो अग्नि, ये तीनों चक्र कैसे, जो इन्होंने आइंस्टाइन की बात बताई ओके वो ही मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि द्रव्य ठोस और गैस ये तीन होता है हर एक। तो ऐसे ही अपने ऋषि मुनियों ने या ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया हमको वेद के स्वरूप में से बना हुआ है। यही पृथ्वी तत्व का संबंध मूलाधार से है, पृथ्वी मूलाधार से है, जल स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारा दूसरा नंबर का है उससे है। अगर मूलाधार को जागृत करना है तो अपन गुजराती में बोलते हैं एकड़ो घोटवो को मुश्किल हो, यानी मूलाधार को जागृत करना यानी बहुत मुश्किल काम है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा तत्व आ जाता है बीच में कि हमारा ध्यान भटक जाता है और अपन उस पथ से थोड़ा थोड़ा भ्रष्ट हो जाते हैं। देखना है कि टारगेट के सामने गेट होता है, टारगेट हो तो गेट खुलेगा। तो हमें संकल्प करना है प्रतिदिन कि हमें मूलाधार की ओर जाना है, उसको जागृत करना है। फिर दूसरा सिटी जो है, जो मैंने पद्म के ऊपर बताया कि उसका कलर पीला है, पीले के ऊपर आपको प्रतिदिन 3 मिनट मैं आपको राग भी सजेस्ट करूंगा कौन सा राग सुनने से आपका मूलाधार जागृत होगा। तो ये 21 दिन का योग होता है। अगर 21 दिन में आपके शरीर में कुछ प्रभाव नहीं हुआ तो फिर 3 साल लगते हैं, इतना टाइम लगता है। इसमें अपन रोज महसूस करते हैं, हम अगर नींद आ गई तो नींद इंसोम्निया बोलते हैं कि जिसको नींद नहीं आती। क्यों भाई साहब क्यों नींद नहीं आती? माइंड जो है वो विचार करता है, आपने सुबह से क्या किया, शाम तक रात को क्या किया, वो विचारों में कुछ अच्छे अनुभव हुए, कुछ बुरे अनुभव हुए, वो हमें डिस्टर्ब करता है रात को अकेले। भविष्य के प्लान करने हैं तो भी नींद नहीं आएगा। तो ये विचार मुक्त होना, विचारहीन होना, यही तो योग सिखाता है कि आप ध्यान करें, ध्यान में पूरा कॉन्सेंट्रेट करें, उसके कारण आपका दिमाग सो जाएगा। अब दिमाग सोता है तभी जाके नींद आती है, एग्री?
विचार इतने हो गए जो नींद रहे हैं, अब हम सो गए, वो 3:30 बजे होगा, हमने स्वप्न देख लिया, वो स्वप्न हमें दूसरे दिन सुबह जब हम उठते हैं तो हमें याद रहता है। क्यों? जागृत अवस्था तो है ही हमारी, तो वो कहने वाला तत्व कौन है हमें कि आपने कल सपना देखा था, सपने में सब कुछ देखा आपने, तो वो कहने वाला कौन है? वो ही अपना आत्मतन में बोल रहा हूं, सूक्ष्म शरीर। हर एक रोग की उत्पत्ति पिज्जा देखा तो पिज्जा खा लेंगे, भजिया देखा तो भजिया खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। अब मैंने सुना, मैंने देखा कि भाई पैंक्रियास का काम क्या है, सुबह सुबह इंसुलिन छोड़ देगा, वो 2 बूंद छोड़े, 3 बूंद छोड़े, राइट। फिर 8 घंटे तक चाहे सुबह आपने नमकीन खाया तो भी इंसुलिन छोड़ेगा। इंसुलिन का काम है हमारे सुगर को घटाना, राइट, बैलेंस करना। अभी हमने खा लिया 10 बजे समोसे, तो वो तो इंसुलिन पैदा नहीं करेगा पैनक्रियास, एक बार कर दिया वो कर दिया, अभी हमारे पे लोड पड़ेगा। अभी आपने एक एक चीज का आपको इंडेक्स मिल जाएगा, ग्लाइसेमिक लोड कितना है हर एक चीज का, नहीं हर एक चीज का मिल जाएगा। जैसे हमने भेजा हुआ बादाम के छिलकों में, तो पानी में रखने से वो डाइल्यूट हो जाता है, तो वो बादाम हम अगर 5 खाएं तो हमारा मिनरल्स जो है वो मिल जाएगा। मैं बात कर रहा था पृथ्वी तत्व की स्वादिष्टान से ऊर्जा मिलती है। अब ये ऊर्जा तीसरे चक्र से लेता है, मणिपुर चक्र जो बोलते हैं उससे ऊर्जा मिलती है। हमारा नाभि जो है वो हमारा शक्ति का स्रोत, नेवल जो बोलता है वो। अब अपना शरीर कौन सी ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है, इसलिए सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठें तो वो सूर्योदय होता है, सूर्योदय उस जो मैंने पृथ्वी तत्व को बोला उसको सौर ऊर्जा बोलते हैं। तो जितना भी हम सूर्य के आगे उसको इन्वाइट करेंगे बन गया है, तो बड़ा आश्चर्य की बात है, उसको सूर्य की किरण में रख दो, 1-1.5 घंटे के बाद वो पंख हिलाना शुरू कर देगा, कर सकते हैं। संसार हो या घर संसार, यानी गृहस्थ जीवन को आपका पृथ्वी तत्व यानी मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करना पड़ेगा। और सुषुम्ना नाड़ी, 3 नाड़ियां, राइट हैंड ये सूर्य है, लेफ्ट हैंड चंद्र है, बीच में जो नाड़ी उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। वो बहुत कुछ साधना के बाद सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। अब डाइजेशन सिस्टम हमारा ये प्रति व्यक्ति पे अलग अलग होता है। सुबह डाइजेशन पावर देखना है आपको, आपको प्रभु ने दे दिया है सूर्य नाड़ी, तो ये महसूस कीजिए ये चल रही है तो ही भोजन कीजिए, तो ही आपका अच्छा सा डाइजेशन होगा। अगर चंद्र नाड़ी लेफ्ट हैंड अगर ये चालू है, आपने भोजन कर लिया, आपका पेट कब आएगा लाल उसको पचा नहीं पाएगा, ऐसा कैसे रहेगा? जब तक ये सूर्य नाड़ी एक्टिव नहीं होगी तब तक आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है। मणिपुर मूलाधार इसको जागृत करें। मैं जब आपको राग कराऊंगा एट दैट टाइम
कौन सा राग सुनने से, खाली 3 मिनट 5 मिनट सुनिए या कोई बीज मंत्र ले लो, है ना, इससे आपका तत्व जागृत होगा, स्टिमुलेट होगा। सुषुम्ना नाड़ी भी, ये जो मैंने पद्म बताया ना चार मूलाधार में, तो इडा पीड़ा और सुषुम्ना तीनों का स्थान और उद्भव स्थान वहां से उसे उल्टी साइड में यहाँ पे वजन देके सो जाता है, तो 1.5 या 2 मिनट में आपका स्वर, उसका स्वर बोलते हैं कौन सा स्वर चल रहा है वो चेंज हो जाएगा। तो कुदरत ने आपको यह सुविधा दी है कि आप चेंज कर सकते हैं। अभी हमें प्यास नहीं लगी लेकिन हमें कुछ सिग्नल मिलता है, अपन बोलते हैं ब्रेन से मिला, ओके नो प्रॉब्लम। ये जब आपकी नाड़ी चालू होगी तभी आपको प्यास लगेगी, ये सरप्राइज है। चंद्र नाड़ी में जल तत्व पीने से आपको 100% उसका फायदा मिल सकता है, कुछ भी पेन जैसे मौसमी जूस हो कुछ भी हो, अगर हमने ये 2 नियम का पालन किया शरीर में रोग की उत्पत्ति होगी नहीं। पृथ्वी का रंग भी लाल और थोड़ा सा पीला बताया गया है, हमें मैंने जो लंग धातु आपको बीज मंत्र दिया उसको 3 मिनट कुछ भी विदाउट इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो, आपको कुदरत और ऊर्जा जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है आपको सही रास्ते पे लेके जाएगी ऑटोमेटिक। गणेश जी का राग जो होता है भूपाली वो आप सुन सकते हैं, फिर जहां पे गोमल रे आता है वो राग हमारे वेदों में सामवेद में मॉर्निंग राग बताया है। Oh,
अब ये जहां से ऊर्जा प्राप्त करता है हमारे शरीर में से, हमने जो सूर्य से ले लिया मणिपुर चक्र से, जो नाभि मैंने बोला, नाभि के जस्ट आसपास ये ऊर्जा तंत्र रहता है, उसका रंग उसको भी पीला बताया है ना। वो बीज मंत्र जो मैंने अभी गम बोला, कितना आश्चर्य की बात है, गणपति विराजते हैं यहां पर मूलाधार चक्र में। इसलिए शास्त्रों में पहले ही गणेश जी को पूजनीय माना गया, आश्चर्य की बात, और गम धातु दे दिया कि गणेशाय नमः बोलने की जरूरत नहीं है। आपने गम बोल दिया, गणेश जी का पूरा परिवार आ गया। यहां पर विराजमान है, हम यहां तक सांस लेते हैं तो प्राण वायु बनता है जो हमारे हृदय की धड़कन को एक्टिव करता है। फिर उसके डीप में हमने डीप ब्रीथ लिया ऐसे, तो वही प्राण वायु का नाम बन गया अंदर अपान वायु। यही अपान वायु जब हमारे मूलाधार में जाता है और घर्षण पैदा करता है, तब एक जो मैंने पद्म बताए थे चार, वो पद्म पहले का अक्षर व है, फिर सा बनता है, फिर सा बनता है और सा बनता है, व सा सा और सा। ये आपके जैन भाषा का जो पौराणिक संस्कृत वो भाषा में ये पद्म के ऊपर आकृति बनाता है देवनागरी, वो एक आकृति बनाता है वहां पे मूलाधार चक्र की अपान वायु के जरिए। और एक कोई बिल्डिंग हो उसमें से वायु पसार हो रहा हो तभी हमें एक ध्वनि सुनाई देती है। तो हमारे शरीर में जब ये अपान वायु ये चार पद्म धनों को घर्षण पैदा कर इस पृथ्वी पे विजयी भव विजयी भव जो श्लोक आशीर्वाद के रूप में सुनते थे, वो हम भी काबिल बन सकते हैं और दूसरों को आशीर्वाद भी दे सकते हैं, तो ये शक्ति यहां से मिलती है। तो जितना भी हमें सफल होना हो तो हमें ध्यान देना है अपान वायु की ओर, कि वो हमारा वायु एकदम शुद्ध हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आज सुबह नर्सरी में गया हुआ था कुछ 9:30 बजे के करीब, वाइफ इज विटनेस, और यही फ्लावर मतलब प्लांट मैंने पसंद किया था, ये मैं लेके जाऊंगा। अभी उन्होंने आज टाइम नहीं था तो उन्होंने यही प्लांट निकाल कर दिया, और मेरे के लिए आई गॉट दिस, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर यू दैट यू गिव मी। अब मैंने बताया कि वो जो घर्षण करके एक ध्वनि निकालता है वो कौन सी ध्वनि है, वही जो हम अभी चांट करते गए लंग, ये ध्वनि अपान वायु निकलता है। और जितने की गड़बड़ी सुबह सुबह हो, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज रहती हो, तो कब्ज की इतनी दवाइयां मत लीजिए, उसको आदत पड़ जाएगी पेट को। खाली लंग धातु पे आपने अगर 15 डेज, इट्स माय चैलेंज,
15 डेज अगर लंग इसका किया तो आपका अपान बन एकदम शुद्धिकरण की ओर प्राप्त होगा। तो ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन से गैस बनता है, गैस हजम नहीं होता है, फिर वो एसिडिटी का रूप धारण कर लेता है, किसी को हाइपर एसिडिटी हो जाती है। सा के ऊपर रियाज करने से या सात तत्व पे लंग धातु बोलने से आपका गुणाधार जागृत होगा 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 और होगा। अब आश्चर्य की बात है, इस अपान वायु की गति जो है वो सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं गति। चाहे शरीर में कितना भी तकलीफ हो या हमने बोले तो थोड़ा सा सुर्दी लोचा हो तो वो उसको सहन कर लेगा। उसकी जो अब जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, पहला पहला अक्षर ले लिया, जनरेटर का जी ले लिया, ऑर्गेनाइजर यानी ऑपरेटर उसका ओ ले लिया और डिस्ट्रॉयर उसका टी ले लिया, तो गोल्ड बन गया था, राइट। तो वो जो जी जो है तत्व है गोड का, तो स्वर के साथ में ईश्वर जुड़ता है, इसलिए हमने आज के प्रोग्राम का नाम स्वर आराधना रखा। ये हम जो सा रे गम पद नहीं, हम खाली 3-4 चक्रों तक ही जा सकते हैं आज। तो वो बाल ब्रह्मा जो है वो ही अपने बच्चे का रूप धारण कराना, उसमें कौन सी शक्तियां प्रदान करना, ये मूलाधार हमारा नक्की करता है, वो डिसाइड करता है बच्चे को कैसा बनाया जाए। तो हमें उस 9 मंथ्स में आपको एडवाइस करनी है, ये मंत्र सुनिए, इस सुनने की वजह से आपका बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। जो ग्लैंड करती है उसमें भी इसका काफी योगदान है। इस तत्व की असंतुलन से क्या होगा, अगर मूलाधार हमारा ठीक नहीं है सूक्ष्म शरीर में तो क्या होगा? तो बिल्कुल मैंने जो वर्णन किया, आपका अभी आप सब इंजीनियर्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं तो ये पदवी आपको प्राप्त नहीं होगी अगर मूलाधार आपका वीक होता। तो आप कुछ पदवी पे हैं तो ये उसी तत्वों को अभाई है। जीवन में कुछ मैंने सोचा कि मैं ये बनूं तो मेरे को उस क्षेत्र की ओर तो कार्यरत रहना है, लेकिन साथ साथ में हमें सूक्ष्म शरीर को सुधारना है, बस उसको एक्टिवेट करना। अगर हमारी रातों को नींद नहीं आता, यानी आपका कफ और वायु बिगड़ा हुआ है, हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कफ पित्त और वायु, 3 चीज से ही रोगों की उत्पत्ति होती है। अगर कफ हमारा बिगड़ा हुआ है तो कई रोगों को जन्म देता है, और कफ जो है 20 तरह का है, पित्त भी बहुत सारे प्रकार के हैं, वायु भी बहुत सारे प्रकार के हैं। अब कुछ 256 258 के करीब रोग पैदा करता है। अब इसका स्थान यही मूलाधार, वहां से अपना कफ पैदा होता है। बच्चे में बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें कफ प्राधान्य होता है, फिर युवावस्था में जब हम पहुंचते हैं एट दैट टाइम पित्त प्राधान्य होता है। वायु आफ्टर 40-50 एकदम अपना कार्य करता रहेगा वायु, फिर जोड़ों का दर्द सिर दर्द ये सब आएगा। तो कफ अगर सुधारना है तो यही बीज मंत्र जो मैंने कहा का चैंडिंग करते रहिए।
और आश्चर्य के बाद कि हमें पुराणों में यूं बताया गया कि भाई सूर्य देव के सामने जल चढ़ाइए। अब वो जल हम चढ़ा रहे हैं से क्या होता है मालूम है, सूर्य उग रहा है, वो जल धारा जो रहती है वो जल धारा से सूर्य की किरणें आएंगी हमारे शरीर को छुएगी, उसमें से 7 कलर निकलेंगे। वो 7 कलर जाने वाले पिना में हमने सीखा था बचपन में, 7-7 रंग मेघ धनुष के जो होते हैं वो ऊर्जा आपका शरीर प्राप्त करता है। बाकी सूर्य की किरण हर जगह अंधेरा है, कौन से पदार्थ पर रिफ्लेक्शन क्या मारता है उससे कलर पकड़ता है। ऐसे ही जल में पूरा का पूरा 7-7 कलर है, जैसे सारेगामा पदनी ये 7 सप्तऋषि तल वितल महातल भूतल रसातल 7 लोक ये जितने भी हैं सब कुछ 7-7 है, 7 बार रख दिया। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, मैं कहता हूं 8 होते हैं, मैं कहता हूं 8 होते हैं। लास्ट परिवार ध्यान रखना है हमें। तो ये जल तत्व स्पाइनल कॉर्ड से शुरू हो रहा है राइट, 9 पृथ्वी तत्व। अब ये कम से कम 21 डेज आपका लगाएगा, और अगर आपको ज्यादा पावर करना है ओम आगे ओम लगा दीजिए। ओम करता है जस्ट शहद की तरह, कोई भी हर्ब्स के अंदर शहद मिला दिया तो उसका पावर डबल हो जाता है। ऐसे हमने अगर ओम लगा दिया आगे कोई भी मंत्र के आगे तो उसका पावर अनंत गुणा हो जाए। और शिव सानिध्य में अगर मौका मिले तो वो रिसर्च का सेंटर है पूरा, शिव जी ने पूरा ये ज्ञान भी शिव जी का है, मैं थोड़ी मजाक कर रहा हूँ यहाँ के, पूरा पूरा ज्ञान मिला हुआ है शिव जी का। और हर एक ह्यूमन बॉडी में या जितने भी हम एनिमल्स देख रहे हैं यहाँ वेदों में तो कहा गया है कि अंदज धीरज ये 4 प्रकार की सृष्टि होती है। हम सब धीरज वाले लोग हैं तो हमें ये संसार में जितने भी 4 हैं जीव, उस जीव को शिव उसमें से ई तत्व यानी वो ईश्वर को बोला गया वो निकाल देते हैं, वो प्राण तत्व निकल जाता है। तो जितनी भी ऊर्जा है वो शिव। अभी मैं ये बोल पा रहा हूँ ये उदान वायु की वजह से है, और आप मुझे सुन पा रहे हैं बीच में भी एक वायु मीडियम, उस उदान वायु कंठ में विराजमान है कि मेरे यहाँ पे करोड़ों कार्टिलेज हैं, उसमें से जो बड़ा कार्टिलेज होता है वो पैदा करता है हमारा लो टोन अल्फा ऊपर चला जाता हाई टोन। अब यही वायु जब यहां पे पहुंचेगा तो ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से अनाहत, अनाहत से ऐसे घूमता है, वो व्यान वायु का काम है कि हर एक जगह पे ऑक्सीजन पहुंचाना व्यान वायु का काम है। अपान वायु को अपान वायु की जगह भेजना ये भी ज्ञान वायु करेगा। अब ये सारे के सारे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये काम समान वायु का है। तो हमारा प्राण तत्व प्राण ऊर्जा
जो अनाहत चक्र से है हार्ट्स, उसको भी हमें धीरे धीरे करके, अभी नीचे का जो हमारा वीक है तो सारे के सारे, एक बटन मैंने गलत दाब दिया तो सारे बटन गलत हो गए शॉर्ट के। इस कदर से अगर हमारा पहला ही चक्र मूलाधार चक्र अगर जागृत नहीं है तो हमें आगे की ओर अग्रसर नहीं होंगे। तो ये पंखुड़ियां जो है वो आप कल से ही शुरू कर दें, गम धातु, बीज मंत्र, लंग धातु, उसे रिलेशन तक, संसार के जितने भी रिलेशन है, परिवार है, उसको आप सुधार सकते हैं। आइए जल तत्व की बात करें। पहले तो हम थोड़ा सा मियां मल्हार आ गया थे।
Thank you.
स्वीकार करेगा। पृथ्वी तत्व पे एक खाली शिव जी नजर आए कि हम उन्होंने जगाने समझ राइट। तो ये गंगा जी का हरि की पेड़ हरिद्वार में है, मानस पूजा कर सकते हैं आप। यहाँ बैठे बैठे हरिद्वार जी गंगा जी के यहाँ पहुंच सकते हैं। माइंड प्रकाश की गति से ज्यादा पावरफुल है, पहुंच सकते हैं। अभी ज्यादातर स्वादिष्ठान चक्र की तकलीफें महिलाओं में होती है। समस्या सूक्ष्म शरीर में होती है और स्थूल शरीर में हम ध्यान देते हैं। 90% प्रॉब्लम जो महिलाओं का है वो इस स्वादिष्ठान चक्र से है। उसका भी हम 7 दफा ध्यान करेंगे। इसका बीज मंत्र है वम। आइए 2-3 मिनट के लिए वम गाना। अभी कुछ भी आकाश मुद्रा धारण करनी पड़ती है, कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो ये आकाश मुद्रा होती है। इससे क्या होता है, आकाश के जितने भी तरंग वाइब्रेशन है वो हमारा शरीर ग्रहण करता है। और ये इवनिंग हो गया है तो इवनिंग का जो राग होगा वो उसका भी हम चर्चा करेंगे। जमीन नहीं देख पा रहा हूं मैं, कंक्रीट के रोड हो गए सारे सारे। तो बेचारा बारिश बरसेगा
जमीन में कैसे जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है, कहां से जाएगा वो? तापी नदी में कितना प्रयत्न करेगी? 20 किलोमीटर ऐसे, 20 किलोमीटर ऐसे, 30 किलोमीटर ऐसे, पूरा कॉन्क्रीट। तो पानी को जमीन में जाने के जगह नहीं मिल रही है, भूमि में जाना तो चाहिए ना। वो खनिज तत्व निकाल निकाल गया अपने भूमि को एकदम वो कर लिया। तो स्त्रियों का काम ज्यादा रसोई किचन में रहता है, तो एक ऐसा कारपेट बनाओ जिसमें मिट्टी डालो, उस मिट्टी के ऊपर 2-3 फीट थोड़ा सा इतना वो प्लांट जैसे उगाते हैं, ये मिट्टी है, ऐसे अपना कारपेट बना लें, उस कारपेट के ऊपर अपने पैर पृथ्वी के साथ में जुड़े हैं, तो हमें आधी बीमारियां दुनिया ही गायब हुई जो मैं बता रहा हूं अभी। शारीरिक कमजोरियां, किसी को मोटापा है, किसी का एकदम पतलापन है, तो ये स्वादिष्टान जल तत्व के कमी के कारण हो रहे हैं। अब मैं ये जो जल तत्व बोल रहा हूँ, पृथ्वी तत्व बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि हम ये जो पानी है वो जल तत्व है। जल तत्व यानी उस पानी को उस रूप में धारण करता है। अब हमने जल लिया, अगर प्रदूषित है तो ये थोड़ा सा जल तत्व के बारे में भी आप बोलें। जल तत्व दूसरे नंबर पे आते हैं, तो अगर हम पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं तो इससे हमें बहुत सारे मानसिक रोग भी होते हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उनका मेन कारण जल तत्व का, जल तत्व अगर हमारा खराब हो तो ये सारे उसी के वजह से होते हैं। जैसे चंद्रमा जो है, चंद्रदेव, उनको हम जल तत्व के देव मानते हैं। तो क्या पुराने समय में जब बच्चे रोते थे तब हम बोलते थे कि देखो चंदा मामा है, परंतु आज जब बच्चे रोते हैं तब हम उनको फोन दिखा देते हैं। तो अगर हम जितना पृथ्वी से जुड़े रहेंगे, जितना हम जल तत्व को सपोर्ट करेंगे, जितना हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही हम और भी आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे, और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हम म्यूजिक थेरेपी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें महंगी दवाई और ये सब लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हम जितना हो सके हमें धरती से जुड़े रहना है, जल तत्व को मजबूत करना है, म्यूजिक थेरेपी से जुड़े रहना है। रोज अगर हम थोड़ा एक राग भी सुन ले तो बहुत ही ज़्यादा हमें फायदा होगा। तो मेरा यही कहना है कि हम दवाइयों के जगह अगर म्यूजिक से जुड़े रहेंगे, संगीत से जुड़े रहेंगे, तो हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियाँ ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। कभी कभी महिलाओं में यह प्रश्न आता है कि मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है, शादी होने वाली है, तो यह डर भी पैदा होता है कि मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, मेरा कौन सा हस्बैंड होगा या क्या भावी होगा। यह चिंता करने की जरूरत नहीं, आप जल तत्व को स्वादिष्टान चक्र की ओर ध्यान करें तो आपका यह प्रॉब्लम माइंड को शांत कर देगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सूक्ष्म शरीर पे काम कीजिए और स्वादिष्टान चक्र को मजबूत कीजिए, इसकी वजह से जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं ये आप उसको सुधार सकते हैं। मैंने शुरुआत में ही बोला था, कोई रिलेशनशिप अगर, आजकल तो जमाना ही ऐसा है कि प्यार मोहब्बत वाला है तो तुरंत ब्रेकअप भी हो जाता है, तुरंत वापस फ्रेंडशिप भी हो जाती है, तो ये सब जल तत्व की खराबी के कारण है। हमारा स्वादिष्टान चक्र अगर सही नहीं है तो हमें कोई समाज में सम्मान के रूप में नहीं देखता है, ये भी होता है। हम वम धातु का, वम इसका अगर हम 21 टाइम्स पर डे या तो सुने या उसके साथ, अभी ये हम क्यों गा रहे हैं, ये हमारे शरीर में से निकल रहे हैं ना, उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो आपको भी चैंटिंग करना है, बाहर से सुनेंगे तो बाहर से म्यूजिक इनसाइड जाएगा तो उसका भी फायदा अलग है, और ये ज्यादा प्रभावी है कि हम उसमें गाएं। माता पिता, कुटुंब, परिवार, समाज में उचित सम्मान मिलता ना हो, आलस्य की स्थिति, काम करने में मन न लग रहा हो,
ये सब इसके सिम्टम्स हैं। अगर कफ जो मैंने बताया था उसका स्थान मूलाधार है, अगर वो बिगड़ा हुआ है तो आदमी है ना 9-10 बजे तक उठेगा ही, इसका एक सिम्टम्स ये कफ खराब है, 9-10 बजे के बाद में वो उठना पसंद करेगा, अगर अलार्म लगा दिया हो तो पैरों से बंद करेगा, उठेगा नहीं, उसको 2-3 दफा रिपीट मारना पड़ेगा, अलार्म ऐसा रिपीट में इवेंट में डाल देगा तब जाके वो उठेगा नहीं। तो 9-10 अभी जैसे जैसे सूर्य उसके सिर पर आएगा यानी हमारा ध्यान टाइम तब वो आदमी एक्टिव होगा। और दूसरा उसका सिम्टम्स है, उसका स्वर एकदम मीठा होगा, स्वीट बोलेगा, पित्त वाले जो है, अभी आप कितने टाइम से इधर बैठे हुए हैं मैं देख रहा हूं, कोई हलन चलन नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत पित्त अच्छा है आपका, बहुत पित्त अच्छा है, नहीं तो एक आसन पर बैठ नहीं सकते हैं, सीधा अपन पैर चेंज करेंगे या कुछ न कुछ शरीर हलन चलन करता रहेगा। तो वायु भी ऐसा ही, वायु में रातों को नींद नहीं आना, 2-3 बज जाएगा नींद नहीं आएगा, आदमी विचारों में खो जाएगा, तो उसको वो कन्वर्ट हो जाएगा कफ में। ऐसे ही हमारा पूरा आयुर्वेद चरक संहिता से लेके वाग्भट जी का जो भी साइंस है, अपना इंडियन साइंस जो भी फ्रांस जर्मन में, तो वो सारा के सारा इसी के पीछे पड़े हुए हैं। आयुर्वेद है, आयुर्वेद है, आयु के बारे में जानना, दैट इज आयुर्वेद। तो हमें अपना स्वाधिष्ठान चक्र वम धातु से उसको स्टिमुलेट करना है। अभी हम आते हैं, दैट इज मणिपुर। आइए इसका भी चैंटिंग करें। अब ये पूरी की पूरी ऊर्जा जो स्वाधिष्ठान भी ले रहा है, मूलाधार भी ले रहा है, ये सारा का सारा ऊर्जा मणिपुर चक्र से मिलती है। और एक इंटरेस्टिंग बात, रावण की पूरी शक्ति नाभि में थी, मानते हैं विभीषण बोल गया, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता था, सारे के सारे शक्ति उसकी नाभि में है। आपकी भी शक्ति, मेरी भी शक्ति, किसी की भी शक्ति नाभि में है, मणिपुर चक्र। इसका बीज मंत्र रम, इसको बोला कैसा जाएगा, रम आइए गंधार के ऊपर, रम 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 ये जुड़ा हुआ है हमारी ऊर्जा से, इसका स्थान अपनी नाभि है। अगर यहां पे ऊर्जा नहीं मिले तो हमारा अग्नि तत्व जो है वो वीक पड़ेगा। अग्नि तत्व वीक हुआ तो हमने जो भोजन किया है वो पचेगा नहीं, फायर। तो जठराग्नि जो बोलते हैं हम, वो इसी मणिपुर चक्र के मणिपुर की। तो आप अगर 3 मिनट सुबह मूलाधार को दे रहे हैं, 2 मिनट जल तत्व को दे रहे हैं, तो 5 मिनट उसको दीजिए, 3, 2 और 5 का रेशियो, ये करने से
इसका काम पूरे शरीर में ऊर्जा देने का है। We'll get a lot of money. तो वो हमें आइडिया देगा कि हमारा सूक्ष्म शरीर के ये काम करो, सही निर्णय लेने की क्षमता, और वो आपका 100% इट विल बी करेक्ट। तो स्थूल शरीर जो हम ये देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा ऑपरेट करता है सूक्ष्म, उसमें नहीं जा रहे हैं हम, खाली दो ही सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसका तत्व अग्नि है और इसका जो वाहन होता है वो मेष, पशु जो होता है मेष, यानी जिस मेष यानी आप वृषभ राशि में जो मेष का चित्र आता है ना, वो ऊपर से नीचे इसकी ऊर्जा जाती है, फिर नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा जाती है, हमेशा स्टिमुलेट होता रहता है। इसके नाभि के इधर और नाभि के उधर दो डॉट्स इधर, दो डॉट्स इधर, ये इसका उल्टा त्रिकोण, उल्टा त्रिकोण रहता है इसका। तो ऊर्जा जो है वो हमारी पूरे शरीर को प्राप्त हो, ऐसे कुदरत ने रचना करी है। हरेक मूलाधार का भी उल्टा त्रिकोण है और वो त्रिकोण बड़ा 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 होता चल जाता है, तो उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर भी जाएगी और नीचे की ओर। स्वाधिष्ठान और मूलाधार को मजबूत करने का काम यही मणिपुर चक्र ही करता है। अब ये वायु तत्व का राज है, बहुत अच्छे अच्छे कंपोजिशन इसमें हुए हैं, दो तो क्लासिकल मैंने गा दिया, एक क्लासिकल के बाद में थोड़ा सा इस राग से कौन कौन से गाने बने हुए हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। Yeah.
Yeah.
आइए मेरे साथ गाइए। पिछले कुछ 6 महीने से अपना गायत्री मंत्र भी लेके चले गए हैं, वहां पर भी वो रिसर्च कर रहे हैं। अब अति गुह्यतम मंत्र विश्वामित्र ने बनाया था और उसका भी 3 चरण है। अब इनका क्वेश्चन क्या था कि ओंकार पावरफुल क्यों है, क्यों उसका अनंत गुणात्मक है, उसका वाइब्रेशन जो अ है वो ब्रह्म वहां से निकला है, उकार का जो है वो विष्णु उसे निकला है, फिर ओम म जो है वो महेश्वर से ताल्लुका है, उसका संबंध वहां से, वो तीनों का कॉम्बिनेशन करके हमारे ऋषि मुनियों ने ओम का स्वरूप करवाया। तो इसका जो वाइब्रेशन होता है अभी 450 वाइब्रेशन, अगर कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है तभी वो सुन सकता है, उसको अगर हमने 550 दे दिया हर्ट्स तो तुरंत ऐसा करके निकाल देगा, हमें नहीं सुनना है, तो उसकी कैपेसिटी 450 होती है। ऐसे मच्छर हमारे कान के यहाँ आएगा तो उसकी 20 है तभी हम सुन सकते हैं,
तो उसका जो साउंड हर्ट्स फ्रिक्वेंसी, ये अगर ओंकार की देखा जाए तो वो जाती है ब्रह्मांड तक जाती है, इसलिए उसका पावर बहुत ज्यादा माना गया है। तो किसी भी नाम के आगे जैसे श्री लगाते हैं, ऐसे मंत्रों के आगे ओम लगाने से उसका बीज और उसको एक संपूर्ण मिलता है तो उसका पावर मिल जाता है। ओके, ओके, ओके। अभी उसकी चार विधियां हैं ओंकार बोलने की। एक तो पश्यंती बोलते हैं, मध्यमा बोलते हैं। अब एक तो मैं सुन रहा हूं, अब तो नाभि से निकलना है, ओ जाना चाहिए अपना उदान तक और म जाना चाहिए अपना ब्रह्मरंध्र तक, सहस्त्रा जहां पे है वहां तक जाना चाहिए। तो इसका चांटिंग हम तीन दफा कर लें, ये इसकी चांटिंग की विधि है। अगर अभय बिल्कुल यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, अगर हमें समाधि अवस्था तक पहुंचना है, इफ यू वांट टू जर्नी टुवर्ड द सॉल्यूशन देन यू कैन प्रैक्टिस म लास्ट वाला ओम, तो उसको खींचना, उसको खींचना है मको। अगर हमें संसार में कुछ प्राप्त करना है देन बीच वाला अगर हमें पृथ्वी में कुछ साबित करना है आपको खींचिए क्रिएटिविटी, ये आपको क्रिएटिविटी प्रदान करेगा। गायत्री मंत्र को जाहिर में गाया नहीं जाता है, लेकिन हम इच्छा हो गई है इतने आप गुणी जन हैं सब, तो इसके सारे गर ये होता है, जैसे सामवेद पूरा सारे गर में विराजमान है पूरा सामवेद। तो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था मुझे वेदों में सामवेद पसंद है, ऐसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ओम भूर भूर्व स्व ओम भू ओम भू ओम स्व ओम वह ओम तप ओम सत्यम, ये जितने भी लोग हैं उसमें अगर आपको कुछ एनर्जी प्राप्त करनी है, कुछ साबित करना है खुद को, विश्वामित्र ने क्या किया था कि एक अजर अमर संतान प्राप्त करके जिसकी कोई वृत्ति न हो अजर अमर ह्यूमन बीइंग बनाना था, इस वजह से इस मंत्र की उन्होंने स्थापना करी गायत्री मंत्र। अभी तत्सवितुर ये जो है ये उपासना है सविता जी यानी सूर्य देव की उपासना है, आपको भगवान के जैसा ऊर्जा, भगवान के जैसा तप, भगवान के जैसा रूप, भगवान के जैसे गुण, यश लक्ष्मी श्री कीर्ति धन ऐश्वर्य, ये जहां छह चीजें मौजूद होती हैं उसको भगवान बोलते हैं। ये छह चीजें हमारे में अगर प्राप्त करवानी हो भगवान, भगवा धारण किया वो नहीं,
ये जो छह चीजें मैंने धर्म लक्ष्मी श्री यश कीर्ति और विराट भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आप लोगों के लिए ताली देता हूं। बहुत अच्छा। Yeah.
और ये दिवाली की बता दी होगी कुछ नया आया सो वंस अगेन वी थैंक यू वेरी मच आनंद ये वो चीज मेरे को और कहनी पड़ेगी श्योर श्योर सेरोटोनिन डोपामाइन अपने पंच कोष होते हैं शरीर में वो पंच कोष में से एक कोष आनंदमय कोष है अन्नमय कोष विज्ञानमय कोष ऐसे एक आनंदमय कोष है वो कोष केवल और केवल या तो ईश्वर के सानिध्य में या संगीत से हाइड्रोकॉर्टिज़म एक केमिकल पैदा होता है जैसे सेरोटोनिन डोपामाइन ऐसे हाइड्रोकॉर्टिज़म इज द कॉज ऑफ गेटिंग ब्लिस ऑफ योर हार्ट थैंक यू वेरी मच आप जैसे बता रहे थे कि सूर्य नारी सूर्य जो हम देखते हैं वो हमारे शरीर में है तो तब मुझे
सॉन्ग में एक वो क्या बोलते पता नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ म्यूजिक, बट वो नेचर के रक्षक, मैं भी हूँ नेचर, ये जो था तो इस वेरी कि हमारे अंदर भी नेचर है। मूविंग फॉरवर्ड इन दिस प्रोग्राम वी वुड लाइक टू शो अवर ग्रेटिट्यूड टू एंटायर टीम ऑफ द पर्सन्स हु हैव प्रोवाइडेड वेरी नाइस म्यूजिक टू अस। राउंड द अप्लॉज फॉर देम। I would like to show gratitude by offering flowers. सौरभ भाई, साधना के ऊपर बोलने को कहा गया है, तो ये जो मैंने सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, शिव जी एक दफा अपने कैलाश के ऊपर बैठे हुए थे पांडवी जी, तो आम आदमी बीमार न पड़े, तो ये लेफ्ट राइट जो मैंने सूर्य नाड़ी राइट साइड होती है, चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड होती है, तो ये पूरा का पूरा विज्ञान जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया था वो शिव सौरभ के अंदर है। तो जितना भी आप कहें इसको पढ़ना चाहें You can read it. तो मैं काफी इम्प्रेस हुआ जब इन्होंने स्वरोदय के बारे में बताया। तो वो स्वरोदय हमारा सूर्य से चंद्र जब तक के अस्त हो जाए, वापस सूर्योदय, वापस चंद्रोदय, वापस सूर्य, वापस तो 24 घंटे समय जो मिला हुआ है उसी के तहत कौन सी साधना करने से, कब जल पीना, कब खाना खाना, कब क्या एक्टिविटी करनी, ये सब शिव जी ने पार्वती जी को बताया था, जो आज मैंने थोड़ा सा आपको 2-3 मिनट के लिए बताया। We will have one another program on next Saturday, 18th of May. That will be on financial planning and lecture and program will be delivered by HDFC AMC. So kindly request all of you to register yourself on ICA portal so we can get idea how many people are attending. Thank you. Now it's time for expressing thankfulness. I would like to invite engineer Niral sir to deliver the vote of thanks. I have a good news for all architects and engineers present here. जैसे आनंदम सर ने बताया सबका मूलाधार ओके है, so big round of applause for all of us. I request audience and give a stand up applause for let us give a sir, is a really mesmerizing session of music therapy. It's unique experience and I think in the history of ICA this is the first event. I got a very good opportunity to present my all art with my सामने मिलन सिंह और पीछे बैठी हुई मिलन मेरी भाई बहुत ही सपोर्ट कर रही है। पटेल साहब आपने देख लिया द वन ऑफ मास्टर लाइन टुडे, वो फिल्म गाने का सेशन नहीं था, ये थोड़ा मेडिकेटिव म्यूजिक और ये सब था इस वजह से। और अल्पेश जी सब धन्यवाद के बात है, और सबसे बेहतरीन जो हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाई ये मास्टर तेजस भाई, उनका भी मैं शुक्रगुजार। और भगवान करे आप जैसे सबको मिले सुनने वाले। Thank you, sir. I would like to express my gratitude to Ms. Pooja Kosinger and Mr. Minesh Bhai Jain. I would also like to express my gratitude to Mr. Alpesh Rana and Mr. Manish Patel and of course Jugal Patel. Friends, this is, as I said, this is a unique experience and first
time in history of ICA. So big round of applause for our coordinator, Mr. Tushar Pai and Jai. I would also like to thank Mr. Jigar Sivalia, today's MOC, for a wonderful conduct this session. Thank you all everyone, and for very disciplined and sound audience, very enthusiastic audience. So big round of applause for audience. Thank you.